दो शेयर में काम कर रही हूँ, मतलब क्या हूँ मैं। आज मार्केट ना बहुत तगड़े लेवल पे बेस्ट लग रहा है, शायद मैंने ही कम कमाया। तो प्रॉफिट है आप देख पा रहे हो? मेरे को एक बार सिखा तो दे सकते हो, कोई बात नहीं 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 ये बहुत रिस्की गेम है भाई। प्रॉफिट देख के तो बंदा लालची हो जाता है, ये लेकिन पहली लॉस बार ही मैं देख के अपने बंदा अकाउंट डरता में इतना देख रही है। हाँ हूँ। सोना बेबी प्या लल्ला बेबी को क्या हुआ बेबी? हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं आ गई हूँ ऑफिस पे और चार्ट भी खोल के देख लिया हूँ। मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है फिलहाल, तो अभी जस्ट ओपन हुआ है तो, लेकिन मार्केट भी बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर से बजाज फाइनेंस मैं फॉलो कर रही हूँ, आज बहुत तगड़े लेवल पे बजाज फाइनेंस फिर से गिरा है। तो अभी सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल हो गया है, अभी बज रहे 9:20, सेकेंड कैंडल स्टार्ट हो रहा है। और आज भी मेरा ये चार्ट देख के अब मैं कुछ करूँगी, और वैसे ही दो शेयर चार शेयर इसी में ही करूँगी, इसे ज़्यादा नहीं करूँगी तो। लेकिन फिलहाल फॉलो कर रही हूँ, अभी देख रही हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहो, मेरे व्लॉग को देखते रहो, इंटरेस्ट लो, क्योंकि मैं शायद अच्छा नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोगों के पास रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं शायद आगे अच्छा सा ट्रेडर बन जाऊं, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रही हूं आप लोगों के जैसा बिगिनर बन के मैं भी कोशिश कर रही हूं। तो मुझे जितना फील हो रहा है मैं अपने हिसाब से कर रही हूं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना। और चलिए देखती हूँ मैं अभी क्या करती हूँ, क्या काम करती हूँ ना करती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो? क्या हाल चाल है? और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बाजार ने ठेला लाल है कर दिया है, पूरा ठेला लाल है। और यहाँ पे छोटा अकाउंट, सुबह सुबह का टाइम है, ये एक लॉट आपको दिख रहा होगा। अभी मैंने बाकी के प्रॉफिट्स बुक कर दिए, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल बन गया है तो एक रिट्रेसमेंट संभव है। यहाँ पे देखिए, 3 कैंडल, 1, 2, 3, 5, 5 मिनट का कैंडल, तो एक रिट्रेसमेंट संभव है। तो मैंने अपना बुक कर लिया है, एक लॉट पड़ा हुआ है बच्चे वाला, इसको भी काट देता हूँ, फिर नया ट्रेड कर लेंगे, एग्जिट डन। तो पोजीशंस बहुत बढ़िया। अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितने पैसे हो गए हैं, तो 46,000 हो गए हैं। लास्ट कितना था आप लोग को याद है, कमेंट करके बताइए। तो बहुत सही, अभी भी चल रहा है कंटिन्यू, हमारे ही माल काट दिया लेकिन कंटिन्यू कर रहा है। सेलिंग का स्नैरियो बहुत बढ़िया है, ठेला पूरा लाल है और यहाँ पे लोगों के पैसे ही पैसे, मतलब यहाँ पे ये लाइव में बच्चे बैठे हुए हैं और मतलब क्या ही बताएं। तो गाइस कमेंट करके बताइए मेरा एग्जिट करने का तरीका कैसा लगा। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 15 मिनट का रेंज और साइडवेज है, मज़ेदार, यस और नो? भाई हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, बाजार के सारे मजे कैश करोगे, बहुत मजा आता है। देख रहे हो कहाँ पे एंट्री, किस तरह से एग्जिट और किस तरह से एंट्री, देख रहे हो? तो गिरते हुए कैंडल में मैंने फिर से बाय किया है, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जैसे गिर रहा है मार्केट तो शायद और भी गिरे, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। मैं दो शेयर सेल किया हूँ तो कंटिन्यू रखती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अभी 6 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, दो शेयर में काम कर रही हूँ, मतलब क्या हूँ मैं। आज मार्केट ना बहुत तगड़े लेवल पे बेस्ट लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं दो शेयर, लेकिन हाँ रिलायंस में मैंने 10 शेयर सेल किया है, जिसमें मेरा 13 रुपये बन रहा है। और बजाज में मैंने काट दिया है, बजाज में 2 शेयर में मैंने सेल किया था जो 32 रुपये पे, 32 रुपये में मैंने काट दिया है। ये देखो 72 72 रुपये पे मैंने काट दिया है, 32 रुपये का प्रॉफिट था। और रिलायंस में अभी चल रहा है, रिलायंस अभी तक निकाल नहीं हूँ, रिलायंस में मैंने 10 शेयर बेचा है, तो उसमें थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा और गिर जा भाई, क्योंकि आज मार्केट सीरियसली बेस्ट लग रहा है मेरे को, शायद मैंने ही कम कमाया। पेटीएम पे मेरा फेवरेट शेयर, जिसने मेरा पैसा लिया उससे मैं पैसा लूंगी, मैं ये सोच के लगाई हूँ। 800 का लालच देके 3,000 लिया है भैया, दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ इस बात का। अभी तक टारगेट ये मतलब ये हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं है मेरा, अच्छा हो गया है। ये भाई जब भी होता है तू मेरे को ऐसा क्यों करता है रे। सो गाइस, मैं लाइव से घर आया और घर आने के बाद मैंने अनु के अकाउंट में एक ट्रेड लिया। ओ भाई प्रॉफिट दे, माँ उसमें 10,000 देता 10,000, तेरा दिमाग खराब है, बहुत बढ़िया पैसा बना, ठीक है। तो मैं कॉल लिया था बेसिकली, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट करा, सुंदर सा प्यारा सा डब्ल्यू पैटर्न है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख लेकिन रहे मैं हो, तो लालच करूँ कि बहुत जिसको 10 रुपये शानदार। से खुशी हो। और मैंने ना फिन निफ्टी का ये चार्ट है, मैंने यहीं पे हम लोगों ने कॉल बाय कर लिया था, रिट्रेसमेंट में फिर से एवरेजिंग किया और यहाँ तक में प्रॉफिट बुक भी कर लिया। तो हाँ कैसा लग रहा है? पहली बार अपने अकाउंट में इतना पैसा देख रही हूँ मैं, तो 60 65 में ही खुश हो जाती हूँ। 60 65 रुपए में खुश हो जाती है मैडम,
यार ये पहली बार इतना प्रॉफिट देख रहे हैं, कितने का प्रॉफिट है मेरे अकाउंट में? 6800। 6800 करोड़ दिखा दे जरा। तो 6800 का प्रॉफिट है, आप देख पा रहे हो? मैडम का फोटो भी लगा हुआ है, फिर मत कहना कि मैडम का अकाउंट नहीं है, मैडम का फोटो लगा। तो यहाँ पे अभी चल रहा है बाजार, लेकिन अब तुम ऐसे तुम मत करना कभी, ठीक है? मेरे को एक बार सिखा तो दे सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की गेम है भाई। आप लोगों अपने कमेंट में ना अपने लॉस की गाथाएं लिखना कि ऑप्शंस में लॉस कैसे हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट देख के तो बंदा लालची हो जाता है, लेकिन लॉस ही देख के बंदा डरता है। इतना देख रही हूं। हाँ, पहली बार अपने अकाउंट में इतना पैसा ये देखी है, तो बल्कि इतना पैसा ही पहली बार देखी है। चलो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, काफी खुश। आज ट्रेड करोगी फिर? अब कोई नहीं, आज कोई ट्रेड मत करना। अब 8000 तुम्हारा हो गया है, जिंदगी में जो लॉस थे सारे कवर हो गए। हजार रुपए का लॉस रहेगा। 7000 का लॉस था और 1000 रुपए रह गए, कोई बात नहीं, वो कभी और कर लेंगे, कभी और कर दूंगा। हाँ, तो ये लाइव में बोल के आया था ना, आज मैडम कैपिटल डबल करते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 50% तो आ ही गया। सो फिन निफ्टी ने किया कमाल, हम सब हो गए मिलकर माला माल। कैसे हो? तो शानदार, यहाँ पे लोगों ने पैसे छाप दिए हैं, और यहाँ पे हमारा छोटा अकाउंट फिर पीछे क्यों रहेगा भाई? तो हमारा छोटा अकाउंट भी उड़ गया है, 33 हो गया प्रीमियम। देखो लोगों ने बढ़िया पैसे बनाए हैं आज के दिन भाई, बढ़िया पैसे आज के दिन बनाए हैं लोगों ने, और बहुत सही। हमारा कितना प्रॉफिट होगा गैस करो? टन 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 टन, देख रहे हो 12300 का पैसा बना दिया हमने छोटे अकाउंट में। कैपिटल सिर्फ 40000 था, अभी पर आज 43000 ओपनिंग हुआ, तो 56000 दिख रहा है। और बात रही यूटिलाइजेशन की, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12000 ही यूज़ किया था। जीरो हीरो में कभी भी 100% कैपिटल मत लगाना, 10-12000 ही यूज़ किया था कि पैसा डबल कर दिया है। हाँ, 8-7 रुपये पे लेके 16-17 रुपये पे बेचा है प्रीमियम, और यहाँ पे वही 7-8 रुपये वाला प्रीमियम भैया 35 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 34 रुपये पे। देखो झुंझुना बता रहा है 34 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, पैसा देख रहे हो कैसे बन रहा है भाई? कमाल कर दिया लोगों ने, कैपिटल का 30% प्रॉफिट अनवरली, कमाल कर दिया बाजार ने। चलो बहुत बढ़िया यार, बाजार में बने रहने की जरूरत है, पैसा तो झक मार के देगा बाजार। क्यों भाई लोग? बाजार में बने रहने की जरूरत है, पैसा तो झक मार के मिलता है। एग्री करते हो तो लिखो यस यस यस। चंदा मामा प्याऊ प्याऊ, सोना बेबी प्याऊ प्याऊ, लल्ला बेबी को क्या हुआ बेबी? किसने मार दिया मेरे बेबी को? सोमी कहाँ पे जज्जू? क्या है इसको? तुम लंच किए कि नहीं उसको पता नहीं है? किसने मारा बेबी? किसने किसने मारा था? मम्मा ने मारा। बोल दो यहाँ पे सबको, बोल दो मम्मा ने मारा, बोल दो। मम्मा गंदे। पापा क्लीन। पापा को हक कर लो जोर से। माँ बेबी लल्ला बेटा प्यारा सा, सोना मोना बेबी है, गुगुराज दुलारा सा। अब स्माइल कर दो, ए स्माइल। हंस दो, रोरू नहीं करना, ओके? रोरू कर रहा था माय बेबी कॉइंग, ओ माय बेबी कॉइंग, ओ माय बेबी कॉइंग कर रहा था, कॉइंग। चलो ओके, आइज क्लोज, क्लोज योर आइज। ऑफिस जाओगे पापा के? बाद में चलेंगे, ओके? से ओके पापा, से ओके पापा, से ओके पापा, से ओके पापा, से 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 ओके पापा, से ओके पापा, से ओके पापा। आपके टीथ में क्या हुआ? टीथ में क्या हुआ? रैट ले गया, हैमस्टर ले गया आपका टीथ? ओके ओके पापा जी, प्यारे प्यारे हैमस्टर टीथ ले गया। ओ माय गॉड, आपने ब्रश किया था?
वॉर्म्स है चीज में? नहीं है। नहीं है। पॉकी कहाँ किया आज आपने? दो इधर पॉटी। पॉटी वॉशरूम में करना है। ओके से ओके पापा, से ओके पापा। वॉशरूम में नहीं करोगे? नहीं। व्हाई? पॉकी इन वॉशरूम? नहीं। पॉटी इन वॉशरूम? नहीं। देन कहाँ करोगे? पॉटी ना तो बेंच पे। कहाँ पे? बेंच धोए थे पॉटी। धोए थे पॉटी? नो बैड हैबिट। क्या खाओगे? कुछ खाओगे आप? बेंच ना। सुनो, अच्छा चलो ठीक है। कुछ खाओगे आप? नहीं। कुछ खा लो। नहीं। आइसक्रीम? नहीं। चॉकलेट? नहीं। बिस्किट? You want ice cream? Okay. और अब 130 तक लॉस चला गया था। मैं फिर भी अपने दिल को तसल्ली देके रुकी कि नहीं रुक जाओ, अभी नहीं निकालना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा लॉस में निकाल दूँ, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, लाइव भी चल रहा है मेरा दीपक का, तो उसको देख के मैं फॉलो कर रही हूँ ना, तो मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, शायद ये लॉस ही रहे, तो मैं सोच रही हूँ निकाल दूँ। इससे ज़्यादा लॉस हो जाए तो फिर शायद और ज़्यादा दुखी हो जाऊँगी, तो कुछ तो करना है। तो व्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते कल एक न्यू व्लॉग के साथ। आज आप लोग देखे ही होंगे कि आज मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, और ये प्रॉफिट दीपक के वजह से है, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है। मैं सुबह से बस 30 रुपीज़ ही कमाई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत लॉस चल रहा था, तो ये दीपक के वजह से है कि जो मेरे को प्रॉफिट इतना अच्छा करके दिया है, तो मैं इस बात का खुश हूँ। और आगे ऐसे ही मेरा लर्निंग्स चलते रहे, मैं प्रे कर रही हूँ कि मेरा अच्छे से लर्निंग्स होते रहे, मैं लर्निंग्स लेते रहूँ। और कल मिलते एक न्यू व्लॉग के साथ। और यहाँ गुगु मेरे को लात मारते हुए, क्योंकि अभी उसको मैंने थोड़ा सा डांटा, क्योंकि वो स्लो पर नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको डांटा। तो चलिए कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।